बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो पोस्ट आई हुई है उनके लिए ऑनलाइन जो हमने चालान फी पे करनी होती है उसको पे करना सीखेंगे कि कैसे हम थ्रू इजी पैसा ऐप जो है हम अपनी फीस आसानी के साथ पे कर सकते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बहुत सी पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज की है, जो कि आप ये एडवर्टाइजमेंट हमारे पास जो है वो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसी तरीके से आप ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो वेबसाइट से आप ये एडवर्टाइजमेंट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करते हुए आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, ये वाली, ठीक है जी। आप लोग इस पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की जो है वो एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगी, जहाँ आप लोगों ने अपना CNIC नंबर और पासवर्ड रख के आप लोगों ने क्या करना है, इसको लॉग इन कर लेना है। मैं ऑलरेडी इस पे अप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको सिंपली यहाँ से लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वेट करना है और अपनी जो है जिस पोस्ट पे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपके पास जो है वो अप्लाई ऑन दिस पोस्ट की एक बटन है, उस पर क्लिक करते हो। आप लोगों ने अपना फुली बायोडाटा इसमें फिलअप करने के बाद आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई कर चुके होंगे तो आपके पास यहाँ पे ये जिस तरह मैंने अप्लाई कर लिया है तो ये मेरे पास जो सीरियल नंबर 1 की मेरे पास है उसमें हमारे पास ये वाली ऑप्शन आ गई है, ठीक है। यू हैव अप्लाइड, क्लिक हियर टू डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है कि एक डिपॉजिट स्लिप जो है वो डाउनलोड करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक इनवॉइस आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगी। यहाँ से जो हमें इजी पैसे में जो हमारे पास सबसे मेन चीज रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास इनवॉइस नंबर होता है जी, ठीक है जी। इनवॉइस नंबर ये आप सभी का डिफरेंस होगा, अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा इनवॉइस नंबर ये होगा, अगर कोई और अप्लाई कर रहा है तो उसका इनवॉइस नंबर कोई सा भी डिफरेंस होगा और ये मस्ट भी डिफरेंस होता है, ठीक है जी। ये आपके पास इनवॉइस किस तरीके से आ जाएगी, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ये इनवॉइस नंबर सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। मैं इसको कंट्रोल सी करते हुए कॉपी कर लेता हूँ और अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको जूम करके ये दिखा देता हूँ। ये देखिए इनवॉइस नंबर आपकी जो चालान इसको कह सकते हैं या इनवॉइस कह सकते हैं उसके ऊपर आपके पास जो है वो ये इनवॉइस नंबर होगा, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप यहाँ ये वाला, तो इसको आपने क्या करना है, सिंपली कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने इजी पैसा ऐप में चले जाना है। तो इजी पैसा ऐप यूज करने के लिए चूंकि हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो इसलिए अब हम चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और वहां पे देखते हैं कि कैसे हम ये ऑनलाइन चालान जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का दिया या कोई सा भी है वो सारे ऑप्शन उसमें इजी पैसा ऐप में मौजूद होते हैं। तो हम वहां से देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने इसको जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करना है। अच्छा जी, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है कि अपने इजी पैसा को लॉगिन करते हुए आप लोगों ने अपने इजी पैसा को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है जी, स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मोर की ऑप्शन आ रही होती है तो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, अगेन इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपके पास जो है वो बिल पेमेंट की एक ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है। बिल पेमेंट के सेक्शन में आपके पास जो है वो एक अदर की ऑप्शन आ रही होती है, ये देखें, ठीक है। आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेलेक्ट कंपनी की एक ऑप्शन आ रही होती है तो इसमें से आप लोगों ने जिसका भी जो है वो चालान सबमिट करवाना है, जैसे कि ये यहाँ पर एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम है या जौन सी भी आप लोगों ने जौन सा भी आपके पास चालान है वो आप लोगों ने सबमिट करवाना है या पे करना है तो उस कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी कंडीशन में चूंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का चालान सबमिट करवाने लगे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक इनवॉइस हमारे पास आई है जनरेट होकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है 1 bill invoice/voucher इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंज्यूमर नंबर पूछेगा, ठीक है जी। कंज्यूमर नंबर बेसिकली आपके पास वही इनवॉइस नंबर है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है जी। आप लोगों ने वो होप्स हो कि आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा, अगर कॉपी नहीं भी किया तो आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने चूंकि वो कॉपी कर लिया इसलिए मैं इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही इसको पेस्ट करूँगा तो ये मेरे पास नेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है तो इससे हमने इसको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये जो है वो साइट पे कुछ थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से ये थोड़ा एरर दे रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको अगेन जो है वो प्रेस करने कर देना है।
तो ये था हमारा हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑनलाइन चालान पे करना सीखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।